प्राकृतिक पर्व सरहुल की उत्साह पूरी राजधानी में जोरों पर देखी जा रही है। इसी के तहत विभिन्न सरना स्थल में तैयारी चल रही है। रांची के हाथमा सरना स्थल में सरहुल का शुभारंभ हो चुका है, तो आइए जानते हैं वहां के लोकल निवासी जगलाल पाहन ने इस पर क्या कहा। सभी हम लोग का जो सरहुल है, ये 3 दिवसीय जो सरहुल पूजा जो होता है, और मैंने की 10, 11, 12 हम लोग का 3 दिन का ये त्यौहार होता है। विशेष करके एक दिन जो है आपको 11 तारीख का जो है, और उस रोज मैंने सुबह का जो पूजा हम लोग करते हैं, और जो भी है मैंने हम लोग तो पारंपरिक जो है हम लोग अपना विधि विधान के अनुसार ही हम लोग अपना पूजा करते हैं। और इस बार का सरहुल में सभी कोई तो अपने अपने जो अखाड़ा है, अपना सरना स्थल है, उन तमाम चीज़ों का सब तैयारी सब कर लिए हैं और अभी भी लगे हुए हैं लोग। और इस बार आगे साल के अपेक्षा इस बार और भव्य रूप से यहाँ सरहुल निकलेगा। हम लोग बहुत जो अभी हम लोग का जो परंपरागत जो वाद्य यंत्र है उसका उपयोग हम लोग कम करते थे और ज़्यादा हम लोग डीजे पर करते थे, लेकिन इस बार उस पर हम लोग एक आग्रह किए हैं कि डीजे को कम बजाए, और बजाए भी तो एक लिमिट जो उसका है, ध्वनि है मैंने कि साउंड है, उस पर बजाए ताकि हमारा जो वाद्य यंत्र है, जो हमारा ढोल नगाड़ा मांदर आना ये सब या गीत संगीत है, तो वो दबे नहीं। इस वास्ते हम लोग सबों को आग्रह। दूसरा जो जल रखाई पूजा होता है और जो केकड़ा पकड़ने का जो प्रथा है, उसके पीछे क्या अवधारणा है? देखिए हम लोग का जो केकड़ा जो पकड़ने का जो प्रथा है, हम लोग देखिए परंपरा से ही है, और हाँ आज के दिन जिस उपवास है आज हम लोग का, ये सरहुल का जो ये प्राकृतिक जो महापूजा पर्व सरहुल का जो उपलक्ष्य में हमारे जो नवयुवक लोग होते हैं आज केकड़ा मछली पकड़ के आते हैं, और जो घर का जो मुखिया होते हैं वो हमारे हैं सो उपवास में रहते हैं, और एक समय उपवास में रहते हैं, 1-2 बजे उपवास को तोड़ते हैं, अपना पारंपरिक विधि विधान और जो पकवान होता है एक बिना तेल का, तो उसको अपने घरों में जहाँ पूजा का एक स्थान है तो वहाँ पर ही लोग चढ़ाते हैं, तपावन पानी वगैरह सब चढ़ा के अपना जो उपवास को तोड़ते हैं। और संध्या के समय में जल रखाई पूजा मौजा में जहाँ सरना स्थल है, तो वहाँ पर ही अभी हम लोग इस वर्ष भी हम लोग वैसी करेंगे, संध्या हम लोग 8 बजे जल रखाई पूजा करेंगे। हम लोग अपना जो भी ग्रामीण है और हमारा जो पाहन कोटवार पेनभरा जो होते हैं उन तमाम लोगों से साथ में हम लोग जाएंगे तालाब में जल लेने के लिए, 2 घड़ा लेके, और वहाँ से 2 घड़ा में हम लोग जल लेके आएंगे, और सरना स्थल पर हम लोग तो दोनों घड़ा को हम लोग रखेंगे, उसमें पानी पूरा लबालब भरेंगे, और उसके बाद में हम लोग जो पारंपरिक विधि विधान के अनुसार जो हम लोग रूढ़िवादी प्रथा है, जो बलि प्रथा है, उसके माध्यम से हम लोग 5 मुर्गा मुर्गियों का और तपावन ये सब देते, अर्पण टीका सिंदूर तपावन धुवन धूप ये सब देते हुए हम लोग जो हम लोग का पवित्र जो है साल का जो फूल है, तो उस फूल को भी हम लोग चढ़ाएँगे, और हमारे जितने भी टोला मोहल्ला के जो लोग हैं वो लोग भी सरहुल करते हैं अपना टोला मोहल्ला में, तो तमाम कोई 2-2 घड़ा लेके यहाँ पर ही आएंगे रात्रि में, और नृत्य संगीत करते हुए लोग यहाँ पहुँचेंगे। साथ ही साथ जो हमारा जो छात्रवास के जो हमारा छात्रगण है, जो 4 गो छात्रवास है आदिवासी, वो तमाम लोग भी आएंगे यहाँ पर ही नृत्य संगीत करते हुए, और यहाँ से जो पूजा किया हुआ जल है वो जल को हम उन तमाम लोगों को भी देंगे, वही जल को ले जाके लोग अपना जो अखाड़ा होता है जहाँ पर वो सरहुल का पूजा करते हैं, वहाँ लोग अपना पारंपरिक विधि विधान से उसको वहाँ रखेंगे, और सुबह को वो लोग उसका पूजा करेंगे वहाँ। और हम लोग का जो दूसरे दिन भी है जो कि चैत्र तृतीया जो शुक्ल पक्ष के दिन यहाँ 11 तारीख को जो पूजा होगी वो 10 बजे हम लोग पूजा करेंगे, और वो पूजा से पहले हम लोग सुबह को जो जल रखाई पूजा। वहीं नगर निगम के अधिकारी ने इस पर कहा कि साफ सफाई तो हम लोगों के यहाँ नगर निगम की ओर से हमेशा ही चलते रहता है, और पर्व त्योहारों के विषय के अवसर पे हम लोग विशेष साफ सफाई वगैरह भी करते हैं। हमारे साथ एमजी हैं कि उसके विषय में आपको जानकारी देंगे। विधि व्यवस्था को देखते हुए विशेष रूप से चूँकि लाइट कटता है इसमें, तो जनरेटर के साथ लाइट की व्यवस्था RMC की तरफ से भी और जिला प्रशासन की तरफ से भी की जाएगी, वो किया जाएगा विधि व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए। जनरेटर और लाइट की व्यवस्था हम लोग पूरे शहर में करेंगे। CCTV का लगाया गया है शहरों में, वीडियो कैमरा के साथ अलग से रहेंगे, पुलिस का और दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति दोनों को देखते हुए हो गई है।
ईद को देखते हुए हम लोगों ने निर्देश दिया है बिजली विभाग को कि आप बिजली की कटौती इस प्रकार से करिए कि जहाँ जहाँ से जुलूस गुजरते जा रहा है उधर में आप लोग आप बिजली काटते जाइए, और जैसे जैसे जुलूस का कार्यक्रम समाप्त होते जा रहा है बिजली आप लोग देते जाइए। जब तक बिजली कटा रहेगा तब तक हम लोगों का जो सभी मुख्य चौक चौराहे और मुख्य सड़क है जिस पर भीड़ रहती है जुलूस रहता है उसमें हम लोग प्रयास किए हैं कि अपनी ओर से प्रशासन की ओर से जनरेटर के साथ बिजली का व्यवस्था किया जाए। ठीक है, और सर इसको प्लान आउट किया है ट्रैफिक डाइवर्जन हम लोग ईद को देखते हुए किए हैं, ईद का बाज़ार भी लगता है शाम को, तो जहाँ पर ईद की बाज़ार लग रही है उस तरफ में गाड़ियों का परिचालन न हो उसके लिए ट्रैफिक का डाइवर्जन किया जा रहा है मेन रोड में खास करके। दूसरे दिन जब सुबह में ईद का नमाज होता है ईदगाहों में तो तीन जगहों में इसके लिए ट्रैफिक का डाइवर्जन हम लोगों को करना पड़ता है, एक हरमू रोड के ईदगाह में, एक ओवरब्रिज के पास के ईदगाह में, और एक प्लाजा चौक के पास के मस्जिद के पास में। तो वो सारा प्लान हो गया है, इस विषय में अखबारों में सभी लोगों को सूचना भी दे दी गई है जैसे इसका ट्रैफिक का डाइवर्जन होगा। ये ट्रैफिक एसपी साहब इस मामले को देख रहे हैं।